आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल मसाला पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ये सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी पहले देख लेते हैं। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिए हैं, जो आप लोगों को रेसिपी बताई थी पनीर बनाने का वही पनीर लिए हैं मैंने। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक घिसा हुआ, गरम मसाला, जीरा पाउडर, दही, लहसुन पाउडर, इसके जगह लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं, ये धनिया पाउडर, जीरा, खड़ा मसाला है ये, दो पीस दालचीनी का ले लिए हैं, एक पीस बड़ी इलायची, एक स्टार स्पाइसी, दो तीन लौंग लेंगे और एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च लिए हैं और एक ग्रेटेड प्याज और टमाटर है। देखिए मैं इस तरह के ग्रेटर में इसे घिस लिए हैं। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस कर ले सकते हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल सब्जी में इसी तरह से घिस कर अथवा चॉप करके डाले जाते हैं, तो आप जैसे चाहें कर ले। और बेसन, कसूरी मेथी और हरा धनिया और तेल लिए हैं 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट नहीं बताई हुई है, तो प्लीज़ आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखी है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला सभी में से डाल लेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जीरा पाउडर, लहसुन पाउडर और नमक, नमक डालकर और अच्छी तरह से इसे चम्मच से अथवा अपने हाथों से इसमें सारे मसाले हल्के हाथों से मिला लेंगे, कोटेट कर लेंगे पनीर में। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो अब गैस पर एक पैन रखकर गैस ऑन कर लिए हैं। अब इसमें घी अथवा बटर अथवा तेल एक चीज़ कोई डालेंगे, तो मैं इसमें अभी घी डाल रही हूँ और घी को मेल्ट होने देंगे। तो अब ये घी मेल्ट हो चुका है, तो हमने पनीर जो मसाले में मिला कर रखे हैं वो डाल लेते हैं सारे, जितने आ जाए पैन में अथवा कढ़ाई में उतने रख लेंगे एक बार में। और इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट पकाएंगे एक तरफ से, फिर पलट लेंगे दूसरे तरफ, फिर 1 मिनट उस तरफ भी पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। अब इसे 1 मिनट पकने देते हैं, फिर पलटेंगे उस तरफ। तो 1 मिनट हो चुका है, इस सारे पनीर को पलट लेते हैं इस तरह से। तो उस तरफ भी अब पकने देंगे 1 मिनट, फिर निकाल लेंगे पनीर को। तो अब 1 मिनट इस तरफ से भी पका लिए, अब निकाल लेते हैं सारे पनीर। और एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि जब हम बाहर से लाते हैं पनीर, तो कई बार क्या होता है पनीर कढ़ाई में डालते ही बिखरने लगते हैं। तो ये देखिए कितना, एक भी टूटा फूटा नहीं है और सॉफ्ट भी बहुत है पनीर। तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए, मैंने रेसिपी डाली हुई है, आप यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अब इसी पैन में जो बेसन हमने 1 चम्मच लिए हैं वो डालकर और लो फ्लेम पर जस्ट थोड़ा सा भून लेंगे, कि गर्म है घी इसमें अथवा तेल है तो तेल ही गर्म होगा। तो इसमें इस तरह से एक बार इस तरह से चला लेंगे और इसे जस्ट तुरंत निकाल लेंगे इसे। अब हम इसी पैन में ग्रेवी बनाएंगे, तो थोड़ा इसे साफ कर लेते हैं, पेपर या नेपकिन से कर लेंगे। तो अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें लाल मिर्च, तेज पत्ता और खड़ा मसाला जो लिए हैं हमने वो डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार स्पाइसी, लौंग, बड़ी इलायची, इसे थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को काट कर डाले हैं और इसमें डालेंगे जीरा, जीरा को चटकने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हींग, हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो अवॉइड करें। और अब हम इसमें डालते हैं प्याज, प्याज को डालकर हाई फ्लेम पर जब तक भूनेंगे तब तक कि इसका कलर गोल्डन कलर का ना हो जाए, और इसे चलाते हुए भूनेंगे इस तरह से।
तो देखिए इसका कलर गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हल्दी पाउडर डालते हैं, मसाले सारे डालेंगे इसमें, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसे थोड़ी देर इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें डालते हैं टमाटर जो हमने घिस कर लिए हैं, और इसे भी डालकर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि फिर से इसमें से तेल अलग ना होने लगे। तो अब मसाले में से तेल अलग होने लगे हैं। अब इसमें हम बेसन जो भून कर रखे हैं सो, और दही फेंट कर रखे हैं वो डालेंगे, और दही हम ग्रेवी में ताजी यूज करेंगे, खट्टी दही नहीं यूज करेंगे, नहीं तो खट्टी हो जाएगी ग्रेवी, और यदि नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं। दही डालने से ग्रेवी स्मूथ बनती है। अब सारे मसाले को फिर से मिलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से तेल अलग ना होने लगे, बहुत जल्दी से भुन जाएगी। तो देखिए तेल अलग होने लगे हैं। अब इनमें हम डालते हैं पानी। पानी मैं 2 कप यूज कर रही हूँ। यदि आपको बहुत थिक ग्रेवी पसंद है तो 1.5 कप ही डाले पानी। एक बार इस तरह से मिला लेते हैं, फिर 1 कप डालेंगे। तो 2 कप पानी डाल लिए। अब इसे इस तरह से एक बार चलाकर नमक डाल लेते हैं, और नमक डालकर उबलने देंगे ग्रेवी को। तो ग्रेवी में उबाल आ चुका है देखिए। तो अब इसमें डालते हैं पनीर, और पनीर डालकर इसे लो फ्लेम पर 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिए थे 1 मिनट माइक्रोवेव में, और इस तरह से रगड़ कर डाल देंगे। अब इसे ढककर पकाएंगे 3 मिनट, लो फ्लेम कर लेते हैं। तो अब 3 मिनट हो चुका है, सब्जी को चेक करते हैं। देखिए सब्जी का कलर और ग्रेवी का कंसिस्टेंसी दोनों परफेक्ट है, इसी तरह की सब्जी होनी चाहिए हमारी। तो गैस ऑफ कर देते हैं और धनिया पत्ता डालकर मिला लेते हैं, और फिर सर्व करेंगे सब्जी को। तो चलिए सर्व करते हैं अब। तो देखिए मैंने सर्व कर लिए हैं सब्जी, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। इसे आप रोटी, चावल या अपने मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।